सो गाइस, आप लोगों ने थंबनेल पढ़ा होगा कि मैं यूट्यूब छोड़ रहा हूँ। ऐसा मजबूरी में मुझे कहना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ हालात ही ऐसे हैं कि हमें ऐसा करना पड़ सकता है। क्योंकि यूट्यूब जिस तरह से चैनल डिलीट किया है, डिलीट कर रहा है हमारे कैटेगरी का, उस तरह से तो हम एकदम परेशान हो चुके हैं। और आपको पता होगा, मैंने पहले भी कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था कि किस तरह से यूट्यूब इस तरह का कारनामा कर रहा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या चल रहा है यूट्यूब पे। मतलब हम लोग सॉफ्टवेयर का चैनल खोल रखे हैं, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं, तो उसमें कैप्शन वगैरह सब डालते हैं कि आप लोग इसे गलत यूज़ ना करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डालते हैं। अब इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? यूट्यूब मानता हूँ कि यूट्यूब पे ये सब चीज़ दिखाना हुआ है, लेकिन अब मान के चलिए कि हम ऐसा कोई इतना भी ज़्यादा इलीगल चीज़ तो दिखा नहीं रहे। जब देखो तब यूट्यूब सीधा बोल दे रहा है कि आप चैनल को मतलब स्ट्राइक डाल दे रहा है। अब इसका क्या उपाय है हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हम इतनी मेहनत करके इतने वीडियो बना रहे हैं, कितने सारे लोगों का चैनल ही डिलीट हो गए। और हैरानी तो तब होगी आपको जब एक चैनल है अनलॉक टूल का, यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे लोगों ने अनलॉक टूल पे वीडियो बना रखा है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि अनलॉक टूल पे एक जन वीडियो बनाए थे, वो खुद अनलॉक टूल की ही ऑफिशियल उनकी यूट्यूब चैनल थी, उन्होंने बनाया, उस पर करीब 70,000 से ऊपर के सब्सक्राइबर थे और यूट्यूब ने उसे डिलीट कर दिया। वो अपने टूल के बारे में बताते थे, अपने फीचर के बारे में बताते थे, हम अपने टूल को कैसे यूज कर सकते हैं, उसने डिलीट कर दिया। उसके बाद उन्होंने एक और चैनल बनाया, उस पर भी उनके लगभग 50-53,000 सब्सक्राइबर हुए, फिर यूट्यूब ने फिर से उसको डिलीट कर दिया। तो कुल मिला जुला के हमारे चैनल का कोई भरोसा नहीं है कि कब हमारा चैनल रहेगा, कब तक नहीं रहेगा। और इस चीज़ से हम यूट्यूब पे इतनी मेहनत करते हैं, और यूट्यूब पे मेहनत क्यों करते हैं? कोई भी मेहनत इंसान क्यों कर रहा है? आप सभी लोग जितने भी लोग हैं मेहनत कमा रहे, मतलब पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। और हम भी यूट्यूब पे मेहनत इसीलिए करते हैं ताकि कुछ पैसे हमें इनकम जनरेट हो अपनी नॉलेज को शेयर करके। एक टीचर भी पढ़ाते हैं तो उनको भी वही चीज़ होती है कि वो कुछ बताएं और उनको उससे कुछ इनकम जनरेट हो। लेकिन YouTube जब हमारे चैनल ही डिलीट कर देगा तो हम इतनी मेहनत करने क्या फ़ायदा? और ऐसा भी नहीं है कि YouTube पे चलो हम आज से वीडियो बनाना शुरू किया, आज ही से पैसा आना शुरू हो गया, ऐसा भी नहीं है। इतनी मेहनत करो, इतना चैनल ग्रो करो, 1-1.5 साल लगा के चैनल को पहले ग्रो करो, फिर इनकम जनरेट हो। तो ऐसे में अगर चैनल ही डिलीट हो जाएगा तो फिर हम करेंगे तो करेंगे क्या? तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि चाहे YouTube जो भी कर ले हमारे चैनलों के साथ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम YouTube पे वीडियो बनाते रहेंगे। बस एक सपोर्ट आप लोगों से चाहिए कि आप लोग हमारे डिस्क्रिप्शन में एक दूसरे चैनल का लिंक है, उसको बस आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि कभी इन फ्यूचर अगर इस चैनल पे कोई दिक्कत होती है तो हम उस पे वीडियो डालते रहें और आपको कोई दिक्कत ही ना हो, मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो। तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप लोग जाके प्लीज़ छोटा सा रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मुझे मतलब वीडियो में जब भी मेरा चैनल पे कोई दिक्कत आए तो हम उसको हैंडल कर सकें, उस चैनल पे वीडियो बनती रहे, इससे हमें कोई फर्क ना पड़े। तो दूसरी चीज़ की अभी जैसे देखिए, ये अनलॉक टूल इसके वजह से गूगल चाचा करके कश्मीर के एक बंदे हैं, इनके चैनल पे 3 कॉपीराइट स्ट्राइक धड़ाधड़ आ गया था। मैथिल भाई से इन्होंने बात किया था और इस पे वो किया था, तो ले दे के उन्होंने एक स्ट्राइक हटाया, लेकिन 3 स्ट्राइक आने के बाद से चैनल सीधा टर्मिनेट हो जाता है। 1 हफ्ते का टाइम दिया जाता है कि 1 हफ्ते में अगर बचा सकते हो तो बचा लो, नहीं तो चैनल टर्मिनेट बंद, उसके बाद से कभी चालू नहीं होने वाला। तो ऐसे में गूगल चाचा ने पता नहीं क्या किया क्या नहीं, उन्होंने एक स्ट्राइक हटाया तब जाके इनका चैनल बचा। लेकिन अभी क्या है कि इनका चैनल यहाँ एग्जिस्ट है, मतलब इन्होंने कुछ किया तभी जाके बचा है। और उसके अलावा यहाँ पे इनका चैनल जो है 2 कॉपीराइट स्ट्राइक अभी भी है, जिसके वजह से इन्होंने वीडियो बनाना बंद कर दिया था। क्योंकि चैनल पे 1 कॉपीराइट स्ट्राइक आता है तो सबसे बड़ी बात है, जो लोग भी यूट्यूब पे आने का सोच रहे हैं तो उनको मैं क्लियरली कर देता हूँ कि कॉपीराइट स्ट्राइक आने से ये नहीं है कि चैनल पे हमारा वीडियो नहीं डालते। 1 कॉपीराइट स्ट्राइक वीडियो डाली, सब कुछ करी, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा फर्क पड़ता है कि अगर आपके चैनल पे 1 कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया तो आप गौर करेंगे कि आपके चैनल का पूरी डाउन हो जाती है, व्यूज डाउन, रैंकिंग डाउन, सब कुछ डाउन, 1 महीने तक एकदम चैनल ठप हो जाता है लगभग मान के चलिए। आप कितनी अच्छी सी वीडियो बनाइए, यूट्यूब उसको रिकमेंड ही नहीं करता है। मैंने इस चीज़ को गौर किया है, मेरा एक और चैनल है जिसमें मैंने इस चीज़ अच्छे तरीके से फेस किया है। तो एक तो समस्या ये हो जाती है, दूसरी चीज़ की यहाँ पे एक चीज़ और दिखा रहा हूँ, श्रीसत मोबाइल, इनको देखिए, इन्होंने एक आईफोन और सैमसंग पे बनाया था, उस पे भी कॉपीराइट आ गया। खास तौर पे आईफोन और सैमसंग के जो फ़ोन हैं उन पे अगर आप सॉफ्टवेयर का वीडियो बनाते हो तो इस पे तो 100% आता ही आता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, अगर आईफोन पे बना रहे हो, सैमसंग पे बना रहे हो, तो इस पे आपको कॉपीराइट देगा ही देगा ये लोग। आप बाकी चीज़ पे बनाओ, मुझे नहीं लगता अभी तक, क्योंकि मैंने जितना भी अभी एक्सपीरियंस लिया है, जितने भी मोबाइल चैनल वाले हैं उनमें एक चीज़ मैंने देखा है कि उन्होंने सैमसंग पे बनाया, नहीं तो आईफोन पे बनाया, और तभी जाकर उनके चैनल पे कॉपीराइट आया। और इन्होंने इनसे अभी हमने बात भी की थी, एक तरह से समझ लीजिए कि बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर के जानकार हैं ये श्रीसत मोबाइल, और इनसे हमने बात की थी तो इन्होंने बताया था हमें कि इनका एक आईफोन वाले पे स्ट्राइक आया और एक सैमसंग वाले पे आया। और मैंने भी ये चीज़ गौर किया, बहुत सारे चैनलों पे देखा है जो ज़्यादातर सैमसंग और आईफोन पे ही स्ट्राइक कंपनियां डाल रही है, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि सैमसंग और वैसे ही इन्होंने भी अपने चैनल पे रखा हुआ है कुछ बंदों को जो कि कंप्लेन कर सकें लोग।
तो इसलिए ज्यादातर इनमें यही आ रही है। अब भविष्य में क्या होगा, हो सकता है वीवो ओप्पो पे भी आ जाए, ऐसा मतलब एक संभावना बता रहा हूँ, तो ऐसा भी हो सकता है। कोई भरोसा नहीं है कि चैनल का क्या है क्या नहीं, हालांकि हम वीडियो तो जो भी हमारे पास आएगा हम डालेंगे, लेकिन आप लोगों से बस रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन में मैंने एक और चैनल बना के रखा, उसका लिंक दिया है, नॉर्मली ब्लॉग का चैनल है, लेकिन जब भी कुछ इस चैनल में फर्क पड़ेगा हम उस चैनल में वीडियो देंगे, लेकिन आपको कभी वीडियो नहीं रुकने देंगे। सॉफ्टवेयर में चाहे जितना यूट्यूब डिलीट करना है कर दे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप लोग बस सब्सक्राइब करके रखिए ताकि अगली वीडियो उस पे आएगी, मतलब अगर हमारे इस चैनल पे कोई दिक्कत आती है तो उस पे आएगी। बस आपको सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करके छोड़ देना है वो चैनल को, आप उसको भूल जाइए। जब भी अगर इस पे दिक्कत आएगी तो आपको नोटिफिकेशन द्वारा उस पे आपको कोई भी जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि इस पे अगर स्ट्राइक दे दिया तो ऐसा भी नहीं है कि एक स्ट्राइक दिया हमें मौका मिल जाए, अचानक से तीन स्ट्राइक आ जा रही है पूरा चैनल वो हो जा रहा है। आप तीन स्ट्राइक के बाद आप उस पे ना वीडियो डाल सकते हो, उसको यूज कर सकते हो, उसमें कोई आप चैनल में चेंजिंग नहीं कर सकते। तो हम आपको बताएंगे कैसे कि हमारे चैनल के साथ ऐसा हो गया, आप जानोगे कैसे, इसलिए आप लोग ऐसा करिए। और बाकी यहाँ पे देख सकते हैं ये मैथिल बॉय, इनके भी चैनल पे भी कुछ दिन पहले तीन स्ट्राइक आ गया था, इन्होंने करीबन एक महीने से ऊपर भी इन्होंने अब वीडियो बनाना बंद कर दिया था। इसके बाद से धीरे धीरे करके दूसरा इनका भी चैनल है उस पर वीडियो बनाया और लोगों को जो भी जानकारियाँ देनी थी दी, तब जाके फिर से चैनल पे एक महीने के बाद से काम कर रहे हैं, क्योंकि यूट्यूब एक महीने तक बैन कर देता है चैनल को। तो ये सब दिक्कतें हैं, बस यही बताना था, इसीलिए मैं बोल रहा था थंबनेल पे मैंने लगाया था कि अब यूट्यूब लगता है छोड़ना पड़ेगा, यूट्यूब मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अगर ऐसा रहेगा तो हमें छोड़ना ही पड़ सकता है, क्योंकि जब हम ऐसा रहेंगे तो हम करेंगे क्या। तो बस इस वीडियो में इतना ही, वीडियो कैसा लगा मैं जरूर बताइए, अच्छा लगे तो लाइक करिए और इसी प्रकार के वीडियो देखते रहने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।